Hey people, what's up? What's up lovely people, welcome back to my another video. मैं तहे दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ बिकॉज़ ये वीडियो बहुत टाइम बाद आया है. गुस्सा हो गया आप लोग, जायज़ आप लोग का गुस्सा होना. तो वीडियो नहीं आने का रीज़न ये है कि वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता था मुझे. एंड इस वर्क प्रेशर और इस नए शहर में मैं ऐसा घिसा गया हूँ ना कि लाइक खुद के लिए भी टाइम नहीं निकलता. तो अभी कुछ वीकेंड्स जो अभी गए, कुछ वीकेंड्स उसमें ऐसा हो रहा है कि मेरे सैटरडे संडे पूरे फ्लैट जा रहे थे, टोटल फ्लैट. मैं यहाँ सोते ही रहता था, पूरा पक सा गया था. तो लाइक फ्रस्ट्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना कि समझ नहीं आ रहा क्या करूँ. तो लाइक मैंने अभी सोचा कि क्यों ना एक राइड किया जाए, है ना, करना चाहिए. तो राइड ऐसा हो कि मेरा माइंड भी फ्रेश हो, मूड भी अच्छा हो जाए और लाइक मैं वापस आऊँ तो चार्ज हो जाऊँ. और माइंड फ्रेश राइड से हो सकता है, चार्ज में कैसे हो सकता हूँ? इसका जवाब यही है कि मेरे को अपने दोस्तों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि वो इकलौते ऐसे हैं मेरी लाइफ में जो मेरे को चार्ज कर सकते हैं. सो यार, दिस इज़ ऑल अबाउट माय फ्रेंड्स. हालांकि वो यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं. अब मेरे को मिलना है तो मुझे ही जाना पड़ेगा. सो अभी टाइम ऐसे तो 11:44 हो रहा है, इट्स ओके, ये टोटली नाइट राइड होगा. सो गाइज, आज टिपिकल व्लॉग होगा. यहाँ पे मेरा SD कैम चार्ज हो रहा है, उसका कवर, ये मेरा पावर बैंक है, ये मेरा लॉन्ग लेंस, कैमरा का चार्जर है. ये छोटा सा चीज़ है बट धमाल गजब मचाता है, मेरा ब्लूटूथ स्पीकर और ये मेरा ट्राईपॉड. पहले रेडी होते हैं फिर चलते हैं. सो या तैयार किया है ताकि ज़्यादा लगेज ना हो. बस अभी हेलमेट लेना बाकी है एंड बस निकलते हैं. सो अभी जो टाइम है वो ऑलमोस्ट 12 बज चुका है. सो या सी यू ऑन द बाइक, चलो लेट्स गो. हे गाइस, गुड मॉर्निंग. सुबह हो गई, वैसे सनराइज हो चुका है और नागपुर यहाँ से अराउंड 120 किलोमीटर बचा हुआ है. अभी 47 हिंगा घाट बचा हुआ है. सो मैंने यहाँ पे ब्रेक लिया है. अभी हैदराबाद से नागपुर अराउंड मीन्स जो मेरा डेस्टिनेशन है वो
506 किलोमीटर्स के आसपास है। सो या मज़ा आ रहा है, ठंडी बहुत है यहाँ हैदराबाद के कंपैरिजन में, बहुत ज़्यादा ठंड है, हालत ख़राब है। सो या लेट्स गो। तो महाराष्ट्र तो मैं एंटर कर चुका हूँ, लाइक 120 किलोमीटर मोर। बाकी हैदराबाद टू नागपुर का जो स्ट्रेच है वो मेरे लिए हमेशा रिलीफ रहता है, क्योंकि मैं इतने बार इसमें आया हूँ ना कि अब तो आदत सी हो गई है इस रोड की। हम अपना खुद का स्वागत करते हैं इस ऑरेंज शहर, ऑरेंज सिटी। सो गाइस फाइनली आई रीच टू माय डेस्टिनेशन। मैं होटल प्रीतम में रुका हुआ हूँ एंड या दिस इज माय रूम। ये मुझे 925 पड़ा, 925 में अच्छा ही रूम है। मैं आप लोग को रूम टूर दे देता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी बात, मेरे को ट्विन बेड्स क्यों दिए हैं यार, लाइक टोटली कंफ्यूज हूँ मैं। ट्विन बेड लाइक सिंगल दे देते यार, ट्विन बेड कोई है नहीं साथ, फिर भी ट्विन बेड। कुछ खास नहीं है फिर भी आई शो यू। बाकी यहाँ के लोग अच्छे हैं, एक सर्विस अच्छी है यहाँ की एंड थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ देन फिर मैं आप लोगों को ना फिर घुमाता हूँ। सो मैं आया, फ्रेश हुआ, नींद आ गई यार क्योंकि थक गया था पूरी नाइट बाइक राइड करके। सो अभी टाइम 2:30 हो रहा है, 2:35 ढाई बज रहे। सो अभी अपना सीन ये है कि मैं जा रहा अपनी दोस्त से मिलने के लिए, उसके बाद फिर आगे का प्लान देखते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। तो या वैसे होंडा स्मार्ट तो लग रहा है, क्या बोलते हो, है ना। सो या लेट्स गो। दिस इज दीक्षा सुनहरे एंड वेलकम टू विजय बिग्स ब्लॉग्स। और आज मैं इसीलिए हूँ क्योंकि आज विजय छुट्टी पर है और फिलहाल हम लोग हैं पुटाया लेक में और आए हैं टू शेप। उसके बाद हम लोग जाएंगे नागपुर भ्रमण करने के लिए। सो लेट्स गो। ये चॉकलेट चॉकलेट क्यों लग रहा है मेरे को? ये कौन सा है? ये है पाइनएप्पल। क्या है? पाइनएप्पल शेक। मैंने चीकू लिया है।
करते हैं। आई होप आप लोगों को टाइमलेस बहुत पसंद आया होगा। एंड दिस इज कोटाला लेक, पीछे जो आप लोग देख रहे हो, लाइक सब आते हैं यहाँ पे। इट्स लाइक अ चौपाटी, उधर पे स्ट्रीट फूड्स भी मिलते हैं। या तो अपन यहाँ पे चिल कर रहे हैं, देन फिर देखते हैं आगे का क्या सीन है, क्या है। फॉर दैट स्टे ट्यून। चलो सो गाइस, फाइनली वी आर एट नौश कैफे है। अकॉर्डिंग टू हर यहाँ की सैंडविच जो रहती है बहुत अच्छी रहती है। सो मैं घूर मत, अच्छा नहीं होगा तो मैं इसको बताता हूँ, फिर अच्छे से पूछूँगा मैं, मारूँगा इसको। बाकी हाँ, ऐसा मैंने भी सुना है कि यहाँ की जो सैंडविच रहती है बहुत अच्छी रहती है। सो स्ट्राइक सैंडविच जो था वो एक्चुअली में अच्छा था। तो अगर आप लोग यहाँ आ रहे हो तो विज़िट करो नौश। कैसा लगा? बहुत सही, एकदम लजीजे लबाबदार। देखते हैं अब क्या करना है, लेकिन रात में तो ये है कि नागपुर की बिरयानी खानी है। सो प्लान तो बिरयानी खाने का है, बट अभी का क्या, तो देखते हैं अभी क्या कर सकते हो। और क्या कर सकते हैं, कुछ है आइडिया? कोई आइडिया नहीं। यहाँ से फोटाला लेके और कुछ नहीं घूमने के लिए। तो गाइस वी आर डन विद आवर फूड। बिरयानी अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। सो या दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अच्छा लगा हो तो कर देना। बाकी इट्स ऑल अबाउट माय फ्रेंड, शी इज माय फ्रेंड दीक्षा सुनहरे। सो या So guys, like, share and subscribe the channel. And yeah, do support. Chalo, good night.